टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर सर आपका स्वागत है दोस्तों। स्टूडेंट बात करें उत्तर प्रदेश के टीजीटी के प्रवक्ता के पद के बारे में, जो आपकी नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के नोट्स चाहते हैं तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि जो टीजीटी प्रवक्ता की वैकेंसी निकली थी, जो 15,000 पोस्ट है, वो रद्द हो चुकी है और उसको अपडेटेड नया विज्ञापन आएगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसकी वैकेंसी अब बढ़ेंगी। तो इसमें नए विज्ञापन में बढ़ेंगे टीजीटी प्रवक्ता के पद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 29 अक्टूबर को जारी टीजीटी एवं प्रवक्ता के 15,508 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करते समय तदर्थ एवं नए अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया मानक के अनुसार नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। भर्ती निरस्त किए जाने से पहले ही अपर शिक्षा निदेशालय माध्यमिक ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से 2019-20 एवं 2020-21 में खाली पदों का अध्याचन मांगा है। अध्याचन मांगे जाने के साथ ही अपर निदेशक ने चयन बोर्ड से अध्याचन वेबसाइट खोलने को कहा है। अध्याचन में मिले गए नए पदों को चयन बोर्ड अब शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन में शामिल करेगा। ऐसे में नए विज्ञापन में टीजीटी प्रवक्ता के पदों का बढ़ना तय है। तो दोस्तों अभी इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक और ये है कि चयन बोर्ड के पास अक्टूबर 2019 में 40,000 से अधिक पदों का अध्याचन मिला था। तो दोस्तों आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, जिसने भी पहले अप्लाई नहीं कर पाया था या फिर कोई कारण से रह गया था, तो उसके लिए गुड न्यूज़ है कि ये वैकेंसी अब दोबारा और ये ओपन की जाएंगी और अपडेटेड होकर ये बढ़ेंगी। तो दोस्तों आप सबके लिए अच्छी खबर है, आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी जल्दी ले ही लेंगे। दोस्तों जिसने भी तैयारी नहीं की वो आराम से तैयारी कर सकता है। अगर कोई उसके डाउट आता है तो वो कमेंट कर सकता है, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के नोट्स चाहते हैं तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।